अपना पहला ब्लॉग डालने जा रही हूँ, मन में बहुत हिचकिचाहट थी, लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मेरा पहला ब्लॉग है ट्रिप टू काली माता मंदिर, तो आप लोग इसमें ज़रूर विजिट करें, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, ये हमारा पहला व्लॉग है और आज हम सब जा रहे हैं धारी माता के दर्शन के लिए। और ये मेरी फैमिली, गीतू हेलो कहो, हाय बोलो, हाय गीतू, हाय बोलो, हाय। हम दिल्ली से निकले हैं तो अभी हम दिल्ली में ही हैं। ये देखिए, ये हमारी फैमिली और एक फैमिली हमारी एक और है गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में। मुझसे हरिद्वार पहुंचने से पहले हम लंच करेंगे, क्योंकि हमने 11 बजे बीकानेर में नाश्ता किया था और सबको अब बहुत भूख लग गई है। तो अब तो हम फिर से बीकानेर रेस्टोरेंट देख रहे हैं और वहां पर रुककर हम कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। तो गाइस, बैटरी लो की वजह से मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो ये रेस्टोरेंट में हमने लंच किया है तो उसकी मैं कुछ पिक्स शेयर कर रही हूँ। और अब लंच करके हम आगे की तरफ के लिए निकल गए हैं। और ये मेरे बच्चे भी बहुत थक गए हैं। और ये जो मेरी बेटी है ना, कौन सी वाली, ये जो मेरी बेटी है ना, ये जो मेरी एडिटिंग में भी बहुत हेल्प करती है, बहुत ही शैतान है इसको। लुक एट मी वंशिका, वंशिका। और ये मेरे बच्चे बैठे बैठे बहुत ऊंग रहे हैं, थक गए हैं। बोलो तो, मत करें। अब हम धारी माता पुन्नु कर रहा है, काफी करीब पहुंच चुके हैं। हम चाय पीने नहीं उतर पाए क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ी जल्दी है, तो इसलिए हम सीधा होटल ही जाएंगे। और लंच हमने बीकानेर में कर लिया था और मोबाइल की बैटरी कम होने की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये हमारी मिनी मिनी सी यादें हैं और ये धारी माता जाने का हमारा टूर। अभी हम यहाँ पर थोड़ा मत करो। तो ये देखिए हरिद्वार, गाड़ी चला, आप चलाओ, आप करो हाय। ये मेरे प्यारे हस्बैंड गाड़ी चला। तो ये देखिए गाइस, हमें अब पहाड़ दिखने लगे हैं और हमें आसा मनसा देवी भी गयो, ये माता मनसा देवी का मंदिर हिल स्टेशन हाँ दिख रही है। ये देखिए गाइस, हरिद्वार का पानी एकदम गंगा मैया में दिख रही है।
ये देखिए गाइस एकदम हरिद्वार का नजारा ले लो। हेलो दाम हरिद्वार पहुंच गए। ये देखिए गाइस मनसा देवी का मंदिर, दूर से ही हम हाथ जोड़ रहे हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ और अब हम आगे का सफ़र तय करेंगे। फ्रेंड्स हमने हरिद्वार पार कर लिया है और अब आगे की तरफ हम चल रहे हैं और अब आ रहा है कर्ण प्रयाग। आगे रास्ते में बहुत सारे प्रयाग आते हैं, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, तो चलिए आगे आगे विजिट करते हैं। देवभूमि पहुंच गए हैं और देवभूमि में आपका स्वागत है। और गाइस ये मेरे बच्चे भी बहुत थक चुके हैं इसलिए ये वीडियो के सामने नहीं आ रहे हैं और मैं भी थोड़ा सो गई थी तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो गाइस फाइनली हम होटल पहुंच गए हैं और अब हम रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर डिनर करेंगे। तो गाइस डिनर करने के बाद अब हम बहुत थक चुके हैं और अब हम सोने जा रहे हैं। तो ये देखिए ये मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड, बच्चे सब सो चुके हैं और अब मैं भी सोने जा रही हूँ। बाकी की रिकॉर्डिंग हम मॉर्निंग में करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम उठ गए हैं। तो ये देखिए गाइस मैं बालकनी से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ का व्यू कितना अच्छा है और ये देखिए पहाड़ों की सुबह कितनी अच्छी होती है, एकदम मन को शांति मिलती है। रात को हम डिनर करके तुरंत ही सो गए और मैं कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम बहुत थक गए थे। और यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है और ये देखिए हरिद्वार ऋषिकेश से होता हुआ ये पानी आगे धारी माता तक जाएगा। तो गाइज ये होटल के गार्डन है और ये बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पर और बहुत ही शांति और सुकून है यहाँ पर। तो आप भी इस सुबह का आनंद उठाइए। और अब ये देखें ना दो के हम आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े हैं। तो गाइस श्रीनगर में स्टे करने के बाद बहुत ही हम रिफ़्रेश हो गए हैं नहा धोकर और अब हम आगे माता के दर्शन के लिए चल रहे हैं। प्रदीप आगे कितनी निकल गया बच्चे? वही आप ओवरटेक करने के पीछे ठोक मत देना। तो गाइज आगे की सीट पर मेरा बेटा बैठ गया है और अब हम धारी माता के दर्शन के लिए श्रीनगर से निकल पड़े हैं। इंसान के दो पहलू होते हैं। वैसे तो चुप हो जाते हो, पूरा गार्ड चला और आज आपका मुंह बंद हो ही नहीं हो रहा है क्योंकि आज बहुत खुश हूं। पापा बोलो और क्यों इतना क्या खुश हो आप? क्योंकि मैं अपने पूरे मेरी बच्ची, क्योंकि मेरी बच्ची वो नहीं वो बोलो छोटी बच्ची हो वाला छोटी बच्ची हो क्या? तो गाइस धारी माता मंदिर नजदीकी है और हम ये देखिए थोड़ा हाइट पे हैं और वो देखिए मंदिर एकदम गंगा मैया का पानी से टच होता हुआ रेड रेड सा दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे हम नीचे उतरेंगे और मंदिर के करीब जाकर दर्शन करेंगे। तो अभी मेरे हस्बैंड गाड़ी को पार्किंग पे लगा रहे हैं और अब हम थोड़ा प्रसाद वगैरह लेंगे मंदिर में चढ़ाने के लिए। चुनरी मैं दिल्ली से अपने साथ ही लेके आई थी माता की। देख इधर, अरे इधर को देख, अरे थोड़ा मेरे साथ तो आ जाओ, सोने देखना। वीडियो बन ये तो आ जा। तो गाइस
ये देखिए हम हाईवे के रोड पे चल रहे हैं और ये मेरे बच्चे आगे भागते हुए, और यहाँ पे बहुत सारी माता की चुनरियाँ और प्रसाद मिल रहा है, और ये पीछे से हमारी एक फैमिली और आ रही है, मेरे देवर देवरानी और उसकी फैमिली, उनके बच्चे और हमारे ससुर जी, और गांव से भी कुछ रिश्तेदार हमारे साथ धारी माता के दर्शन के लिए चल रहे हैं, उनको मैं आगे विजिट कराऊँगी। तो चलिए आगे चलते हैं माता के दर्शन के लिए। तो गाइज यहाँ पहाड़ों में बहुत ही सुकून और शांति है और बहुत ही अच्छी फीलिंग यहाँ पर आती है और एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो देखिए माता का मंदिर नीचे की तरफ है जहाँ पर गंगा बह रही है, और अब हम वहीं पे जा रहे हैं माता के मंदिर पर। तो जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे हैं माता का मंदिर हमें और भी नज़दीकी से दिख रहा है। तो ये देखिए मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। और गाइज इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने फैमिली के साथ एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। तो गाइस ये मंदिर क्योंकि गढ़वाल में है तो इसीलिए यहाँ पर गढ़वाली ढोल बज रहे हैं, और ये देखिए मंदिर का कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। धारी माता सबकी मनोकामना पूरी करेगी। और अब ये देखिए हम हाइट पर हैं और धीरे धीरे हम नीचे उतर रहे हैं और मंदिर के करीब आते जा रहे हैं। तो गाइज़ हमने स्वच्छ पानी से हाथ मुँह धोकर अब हम मंदिर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो ये देखिए ये मंदिर की एंट्री है, तो आप भी जयकारा लगाइए माता रानी की जय। और ये देखिए हम धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और बहुत ही घंटियों की आवाज़ यहाँ से सुनाई दे रही है। तो गाइज हम मंदिर की चौखट पे पहुंच गए हैं और माता रानी की जय, और अब हम अंदर एंट्री करेंगे। तो गाइज हमने माता के दर्शन कर लिए हैं, अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था और मोबाइल से भी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी। और हम दर्शन करने के बाद हम मंदिर के नीचे आए हैं और यहाँ पर गंगा का पानी, यहाँ पर हम अपने हाथ पैर धो के इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये मेरी फैमिली और ये माता का मंदिर, और ये हमारी ताई जी हैं, ये भी पानी में हाथ मुंह धो रही है, और ये मैं हूँ, और ये मेरी पूरी फैमिली पानी में एंजॉय करते हुए। मैं पहले तुम्हारी वीडियो बना लूँगी, एंजॉय करो पानी। हाँ ये लो रजनी, पानी उठाओ ना थोड़ा हाथ पे, तो खुद ही पकड़ने वाला हो रहा है। प्रदीप तो वही अच्छे से अपने जींस पे। हाँ ताई आप नहीं आ रहे? हाँ ना मैं ताई आऊँ। अच्छा वो कम जान एक हमरे लोल में एबो दीदी खेलते एबो एबो तक नहीं पोए इधर से। तो गाइस हमने माता के दर्शन कर लिए हैं और अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भैरव मंदिर के भी दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लंच करके घर की तरफ रवाना होंगे दिल्ली के लिए। तो गाइस इस ट्रिप में हमने बहुत इंजॉय करा और छोटी छोटी सी स्वीट यादें जिनको मैंने कैमरे में और मोबाइल में कैद कर लिया है, और ये मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और मुझे अप्रिशिएट करें, ये मेरा पहला व्लॉग है। और अगर आपको मेरी धारी माता के ट्रिप की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।